तो देखो, आज का एक वीडियो दे रहा हूँ, छोटा सा वीडियो होने वाला है पर इंटरेस्टिंग है। तो ये है एक HP MSI, क्या है इसका, ब्रांडेड मदरबोर्ड है, ठीक है, MS7525, मतलब MSI का ही सिंबल आता है MS करके। पर ये कॉम्पैक्ट का लोगो दिखाता है कभी कभार, और यहाँ पर HP भी लिखा है। तो ये ब्रांडेड मदरबोर्ड है, अलग अलग कंपनी का जो वेंडर होता है लिया होता है, ऐसे होता है। तो देखो, ब्रांडेड मदरबोर्ड में ऐसा ज़्यादातर होता है साउंड का इशू जो होता है। तो मुझे बहुत सारा कमेंट आते हैं कि साउंड का प्रॉब्लम है, IC चेंज कर दिया, हुआ नहीं। तो बेसिकली आज दो तीन बोर्ड आया है, पर सभी बोर्ड में एक ही इशू है साउंड का। तो साउंड का इशू कुछ ऐसा आपको मिलेगा, तो अभी मैं दिखाता हूँ, देखो एक सेकेंड। ये देखो, यहाँ पर जो लोगो दिख रहे हो, यहाँ पर जो लोगो है, ये अगर आप यहाँ पर ऑडियो जैक इंसर्ट करते हो तो भी ये क्रॉस रहता है। यहाँ पर ड्राइवर अगर आप प्रॉपरली डालोगे तो भी क्रॉस रहेगा, प्रॉपर ड्राइवर आपने इसका जो IC का मॉडल नंबर है, ये IC का मॉडल नंबर देख के अगर ड्राइवर डालोगे तो ये है इसका मॉडल नंबर। IC का मैं दिखाता हूँ, क्लियर देख देख सकते हो, ALC 662, ठीक है। तो उसका भी ड्राइवर मैंने डाला, कहीं काम नहीं हुआ। तो ये था उसका IC, मैं दिखाता हूँ, ये है वो IC, पहला वाला था ये। मैंने भी IC चेंज किया पर सेम प्रॉब्लम कुछ है। पर बहुत फाइंड आउट करने के बाद मुझे एक प्रॉब्लम मिला है जो मैं दिखाता हूँ। तो देखो अभी कैसे ये सॉल्व होगा। तो देखो यहाँ पर जब भी कभी, तो मैं पहले बता देता हूँ थोड़ा सा, जब भी कभी आप का बोर्ड में अगर साउंड रिलेटेड ऐसा प्रॉब्लम है, आपने सॉफ्टवेयर करके देख लिया, विंडोज चेंज करके देख लिया, फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है, ऐसा क्रॉस आ रहा है साउंड का जो आइकॉन है क्रॉस आ रहा है, तो आप एक चीज़ पे ध्यान दो। पहले तो आप एक बार IC चेंज करके देख सकते हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम IC के वजह से भी होता है। पर अभी देखो यहाँ पर बहुत हीट है, तो मैंने इसे नोटिस नहीं किया। यहाँ पर ये कैपेसिटर है, ये ख़राब है, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, जब भी कभी बोर्ड आए, यहाँ पर जितने भी सारा SMD कैपेसिटर है, यहाँ पर जितने भी सारा SMD कैपेसिटर आपको मिलेगा, ये एक बार आप चेक कर लो, क्योंकि ये कैपेसिटर अगर एक भी शॉर्ट रहेगा तो क्या होगा, अगर आप USB प्लग इन प्ले जो डिवाइस होता है वो डिवाइस भी डालोगे तो भी आपका साउंड नॉट डिटेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, उसमें भी साउंड नहीं आएगा, और इंटरनल साउंड तो नहीं आएगा, फोन पैनल का साउंड भी नहीं आएगा, तो ऐसा ही कुछ होगा। तो बेसिकली ये जो एक कैपेसिटर है ये शॉर्ट है, ये देखो अभी भी बहुत हीट है, ठीक है, बहुत हीट हो रहा है, मैं टच कर रहा हूँ मुझे पता चल रहा है। तो ये मुझे पहले नहीं दिखा, तो अभी मुझे दिखा है, ये मैं रिमूव कर दूंगा, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है हमारा वो जैक यहाँ पर डालने से ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, अभी एक बार जैक डाल के देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर ये जो जैक है ये हमने डाला, और यहाँ पर देखो ये जो साउंड का लोगो है, ये जैक का तो नोटिफिकेशन आ रहा है पर साउंड का लोगो कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ऐसा ही है, अगर जैक भी डालोगे तो साउंड का लोगो कुछ चेंजेस नहीं आएगा पर नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। तो देखो अभी ये जो कैपेसिटर है इसको मैं रिमूव करता हूँ, और उसके बाद एक बार देखता हूँ, क्योंकि बोर्ड को अभी ऑफ करना पड़ेगा, शट डाउन कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो बोर्ड मैंने शट डाउन कर दिया है, अभी ऑफ हो जाएगा, ठीक है, चलो ऑफ हो गया, डिबग कट पे लाइन चला गया है, और डिबग कट हटा देता हूँ, तो ऑफ हो गया बोर्ड, ठीक है। अभी मतलब ऑन बोर्ड पे भी कर सकते हैं पर रिक्स है थोड़ा सा, इधर उधर पेस्ट चला जाएगा तो और भी खराब हो सकता है। तो ऑन बोर्ड पे आप कर सकते हो, और बोर्ड ऑफ करके करना सबसे बेहतर होगा आपके लिए भी। तो देखो ये जो कैपेसिटर है, बोर्ड नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो ऐसे दिखेगा, अब दिखेगा, ठीक है। कहाँ से रिमूव करूँगा, यहाँ से दिख रहा है, एक सेकेंड, नहीं दिख रहा है, यहाँ से रिमूव करूँगा, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटर है, एक सेकेंड, ये मैं रिमूव कर दूंगा, ये वाला कैपेसिटर, ठीक है। ये रिमूव करने के बाद मैं दिखाता हूँ, ये जो बोर्ड है, ये जो साउंड का प्रॉब्लम का इशू चल रहा है अभी, क्रॉस आ रहा है साउंड का लोगो, ये सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने इसे रिमूव करके देखा नहीं, क्योंकि 100% श्योर हूँ मैं कि इस कैपेसिटर के वजह से ही ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो मैंने इसे रिमूव नहीं किया अभी भी, क्योंकि मैंने सोचा डायरेक्टली एक वीडियो बना देता हूँ। तो एक सेकेंड, ये मुझे भी दिक्कत हो रहा है SMD चलाने में।
तो डायरेक्टली इसको रिमूव कर रहा हूँ मैं, और रिमूव करके एक बार बोट को ये देखो मैंने रिमूव कर दिया, तो इसे यहाँ पर रख देते हैं। और एक सेकेंड, और इसको एक बार चेक करके भी दिखाते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ये मैंने रख दिया, कहाँ गया कहाँ गया, और ये वाला, तो इसको एक बार एक सेकेंड चेक करके भी देख लेते हैं कहाँ पर रख के चेक करूँ। ये यहाँ पर रख के चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये गर्म है अभी भी, तो देखो ये बाजार मोड पे मैंने, कंटिन्यूटी मोड पे मैंने मल्टीमीटर को ले लिया, और ये देखो अभी ये शॉर्ट मिलेगा आपको, कहाँ दिख रहा है आपको, ये है वो कैपेसिटर, ठीक है, ये वाला। तो देखो ये शॉर्ट है, ये देखो, ठीक है, ये कैपेसिटर शॉर्ट है, जिसके वजह से ये आईसी तो काम नहीं कर रहा है, और यूएसबी प्लग इन डिवाइस भी अगर लगा हुआ आप तो वो भी काम नहीं करने दे रहा है, दिखा रहा है साउंड डिवाइस नॉट एक्टिव, ऐसा कुछ दिखा रहा है। पर अभी मेरे पास यूएसबी डिवाइस नहीं है, तो मैं दिखा देता, वो शॉप पे है, मैं दिख रहा था बोट को रिसीव करने से पहले, घर पे आने से पहले। तो ये जो कैपेसिटर है, सॉरी जा गुम हो गया, गुम हो गया, कहाँ गिर गया, चलो गुम हो गया, ठीक है, गिर गया कहाँ पर। तो ये देखो सरफेस को थोड़ा सा देख लो, तो ये है वो सरफेस कैपेसिटर जो था मैंने रिमूव किया, तो यहाँ पर भी देख लेंगे पीसीबी पे कोई शॉर्ट वगैरह है कि नहीं। नहीं, पीसीबी पे कोई शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट नहीं है, ठीक है। तो वो जो कैपेसिटर, ये मिल गया फिर से, ये यहाँ पर चला गया था, ये जो कैपेसिटर था ये शॉर्ट था, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम मे भी हो रहा था, मतलब 100% ये सॉल्व हो जाएगा। अभी डायरेक्टली मैं बोर्ड को ऑन करके एक बार दिखाता हूँ, और तो फिर आप समझ जाओगे। और एक चीज़ बोलना था, तो देखो कभी कभार, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ ऑन करने से पहले बोर्ड, तो यहाँ पर जितने सारे पेपर कैपेसिटर है, और इसको ये भी ख़राब होता है। तो देखो और एक चीज़ मुझे क्लियर कर देना है, इसको पेपर कैपेसिटर मैं ही बोलता हूँ, इसका जो पेपर कैपेसिटर, इसका एग्जैक्ट नाम नहीं है, इसको इसको पोलर, सॉलिड पोलर कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान से सुन लो, कहीं पर जाओगे पेपर कैपेसिटर बोलोगे तो इंसल्ट हो जाओगे। मैं क्यों बोलता हूँ, इसके पीछे पीछे रीज़न है, क्योंकि मैंने इसको एक खोला था एक दिन, ठीक है, खोलने के बाद मुझे इसके अंदर थोड़ा सा केमिकल और ढेर सारा पेपर मिला, उसके बाद से मैं इसको पेपर कैपेसिटर बोलता हूँ। पर इसका जो ओरिजिनल एग्जैक्ट नाम है, पर किसी ने मुझे पूछा था, इसलिए मैं रिप्लाई दे रहा हूँ आज, कि सर मुझे, हम जहाँ से कोर्स किए थे वहाँ पर तो सिखाया गया ये पोलर कैपेसिटर है, पर ये पेपर कैपेसिटर है, ये मैंने पहली बार सुन रहा हूँ। तो मैंने बोला देखो आप जहाँ से कोर्स किए थे, जो आपको सिखाया था, जो आपका टीचर था, वो एकदम 100% जेनुइन सही सिखाया, क्योंकि इसको पोलर कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है, सॉलिड पोलर कैपेसिटर बोलते हैं, और छोटा वाला को नॉन पोलर कैपेसिटर बोलते हैं, ये छोटा वाला जो कैपेसिटर अभी हमने रिमूव किया, और इसको एसएमडी कैपेसिटर भी बोलते हैं, छोटा वाला कैपेसिटर को, ठीक है, ये वाला कैपेसिटर को एसएमडी कैपेसिटर और नॉन पोलर कैपेसिटर भी बोलते हैं, और बड़ा वाला को सॉलिड पोलर कैपेसिटर बोलते हैं। और पेपर कैपेसिटर सिर्फ मैं ही बोलता हूँ, दूसरा कोई वीडियो पे आपको नहीं सुनने को मिलेगा ये, पर मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं इसको पेपर कैपेसिटर बोलता हूँ, ठीक है। तो वो बात नहीं है, अभी बोर्ड को हम ऑन करके देखेंगे कि ये बोर्ड में डायरेक्टली जो है साउंड का जो प्रॉब्लम है हमारा फिक्स हुआ कि नहीं। तो बोर्ड ऑन कर दिया, देखते हैं डिस्प्ले वगैरह आते हैं कि नहीं। हाँ, डिस्प्ले आ चुका है, तो इसे खोल लेता हूँ थोड़ा सा। तो अभी देखो ये जो बोर्ड है मैंने चालू किया है, विंडोज ओपन हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं साउंड का क्या जो है, अभी देखो अभी क्रॉस पे है, ठीक है, तो अभी भी क्रॉस पे है, और ड्राइवर मैंने कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारा पहले ड्राइवर अप्लाई कर चुका था इसके ऊपर, जो इसका ओरिजिनल ड्राइवर था इस आईसी का। तो अभी देखो ये जो कैपेसिटर है, ये मैंने रिमूव कर दिया, ये वाला और सेकेंड वाला है, पर अभी कोई हीट नहीं हो रहा यहाँ पर, पहले यहाँ पर हीट हो रहा था, मतलब ज़्यादा हीट हो रहा था, थोड़ा सा नॉर्मल हीटिंग से भी ज़्यादा। तो अभी क्या है कि कहाँ गया मेरा हेडफोन का जैक, अभी देखो एक बार यहाँ पर जैक इंसर्ट करके देखते हैं जो साउंड है वो जाता है कि नहीं, ये देखो सॉल्व हो गया। तो ये देखो मैंने जब भी अभी जैक डाला, नोटिफिकेशन तो पहले भी आ रहा था, पर यहाँ से जो क्रॉस था वो हट नहीं रहा था। तो अभी देखो यहाँ पर जैक इंसर्टेड है और साउंड आ गया, ठीक है। तो फिर से ओपन कर देता हूँ तो ये क्रॉस आ जाएगा, पर अभी
अभी काम कर रहा है पोपल्ली, ठीक है। ये देखो पोपल्ली अभी काम कर रहा है, और इसका साउंड भी एक बार सुन लेते हैं हम कि हो रहा है कि नहीं। तो एक सेकेंड, माउस लगाना, माउस तो है ऑलरेडी, तो मैं पहले सुन लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। साउंड, हाँ बिंदास साउंड हो रहा है, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ साउंड हो रहा है कि नहीं। तो ये देखो माउस, यहाँ पर मैं अगर रखूँगा माइक को, तो मैं रख रहा हूँ, आएगा कि नहीं पता नहीं, फोन मुझे पकड़ना पड़ेगा, एक सेकेंड। अभी देखो मैं बोलिए हमको प्लस मतलब अभी साउंड आए सुनेगा, ठीक है। ये देखो माइक में साउंड आ रहा है, पर आप सुन पा रहे हो कि नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग होने के बाद दिखेगा मुझे। तो ठीक है, साउंड हो रहा है, बिंदास हो रहा है, साउंड अभी चल रहा है। तो बस यही एक छोटा सा आज का वीडियो था, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार बहुत सारा लोग जो है आईसी वाईसी चेंज कर लेते हो पर सोल्यूशन नहीं मिलता है प्रॉपरली, और फ़ोन करते हो। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो सॉलिड पोलर कैपेसिटर है ये भी एक बार चेक कर लो, और जो नॉन पोलर कैपेसिटर एसएमडी में है वो भी एक बार चेक करो, क्योंकि कैपेसिटर के वजह से ऐसा होता है साउंड आईसी में, जो साउंड का लोगो क्रॉस आ जाता है, ठीक है। पोपाली ड्राइवर अगर ना मिले तो हार्डवेयर को, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद।